Hello, the students of class 4th. I hope all of you are enjoying your studies through video explanation. In this series, today I am going to teach you your first chapter of science, green plants, the food producers. In this chapter, we will study about structure and functions of a leaf, some amazingly different plants, yani ki jo, jaise cactus, okay? We will study about these plants. Interdependence of plants, animals, anyway. Interdependence means the things we depend on each other. वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं. Process of making food through photosynthesis. The process of photosynthesis you have studied earlier in the previous classes. The flow of energy. The flow of energy means the animals, plants are dependent on each other in the form of food. Now let us start the chapter. All living things need food for growth and repair of their body parts. Sari living things, plants and animals, humans, all needs food for growth. Aapko bhi khana khane, lambe hone ke liye, bade hone ke liye khane ki zarurat hoti hai na? Kyun khane ki zarurat hoti hai? Kyunki khane se humko kya milta hai? Energy milti hai. We get energy from food. Jaise ki hum apne sari din bhar ke functions, body hamari functions perform karti hai. But animal and human beings cannot produce their own food. As you all know, animals and humans apna food produce nahi karte. Animals ko kahan se milta hai? Plants se. Okay? Aur hum log ko kahan milta hai? Hum log ko milta hai jo kisan anaj ugate hain ya ped mein phal dete hain. But green plants produce their own food by the process of photosynthesis. Later on you will know came to know about the process of photosynthesis according to this chapter. Now the green color of the leaves is due to the presence of chlorophyll. ये आपको मालूम है कि पत्तियों का green color उनके 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 अंदर pigment के द्वारा जिसे chlorophyll के नाम से जाना जाता है. In the chapter we will learn how a leaf prepares food with the help of chlorophyll. इस chapter में आप ये पढ़ेंगे कि plants अपना food chlorophyll, sunlight, air और water की presence में कैसे बनाते. दिस एक्सरसाइज आई हैव गिवन यू अर्लियर इन द 10th 5 स्लॉट. ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस इन बुक. नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. लेट्स लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ. स्ट्रक्चर मीन्स पत्ती की बनावट, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. जैसे हमारी बॉडी की बनावट क्या है, वी आर स्केलेटल सिस्टम. उसके अंदर बोन्स हैं, फ्लैश है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, एंड सो ऑन. इसी तरह लीफ के भी पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द लीफ हैज़ टू मेन पार्ट्स, द लीफ ब्लेड और लेमिना एंड द लीफ स्टॉक और द पिटियोल. लीफ के दो मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ ब्लेड, लुक हियर, पिटियोल, लेमिना. लेमिना एंड लीफ ब्लेड और लीफ स्टॉक और पिटियोल. पिटियोल दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिटियोल. लीफ ब्लेड इज द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ. लीफ ब्लेड ये देखिए, ये जो लीफ ब्लेड है ये पूरा ब्रॉड पार्ट लीफ का है. देन पेटियोल इज द पार्ट दैट जॉइंस द लेमिना टू द स्टेम. ये दिस इज पेटियोल्स, दिस इज पेटियोल. ये आपको क्या करता है, लेमिना को स्टेम से ज्वाइन करता है. देन वेन्स आर द टाइनी पाइपलाइंस दैट अराइज फ्रॉम मिड लिप्स. दे कैरी मिनरल्स एंड वाटर थ्रू आउट द लीफ. ये मिनरल्स और वाटर, ये जो वेन्स हैं, दिस वन वेन्स ये क्या करती हैं, बहुत टाइनी पाइपलाइंस होती है. जैसे हमारी बॉडी में कौन सी होती है वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, बहुत महीन और टाइनी वेन्स होती हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं. इन द सेम वे वेन्स आर द टाइनी पाइपलाइंस दैट अराइज फ्रॉम द मिडरिब. दिस मिडरिब से होती हैं, ये इससे, ये मिडरिब है ना आपका, दिस इज नोन एज मिडरिब. और ये आपकी धीरे धीरे वेन्स निकलती हैं मिडरिब से, जो क्या करती हैं, मिनरल्स और वाटर को पूरी लीफ में ट्रांसपोर्ट करती हैं. क्या करती हैं, मिनरल्स और वाटर को जो फूड को बड़े होने के लिए, खाना बनाने के लिए सहायक होते हैं, उनको पूरी पूरे प्लांट की, पूरे लीफ की, लीफ में ट्रांसपोर्ट करती हैं. देन वन लास्ट सेंट्रल वेन कॉल द मिडरिब एक्सटेंड फ्रॉम द बेस टू द ब्लेड. ये दिस इज नोन एज मिडरिब. ये लंबी वेन, दिस इज नोन एज मिडरिब. देन स्ट्रोमेटा आर टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस विच हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. दिस स्ट्रोमेटा यू कांट सी विद द नेकेड आइज.
स्ट्रोमेटा आर द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स. छोटे छोटे पोर्स होते हैं लाइक दिस. Like this, they are hexagon in shape. Six sides होते हैं इनके और इनके अंदर pigment भरा होता है जिससे कि ये stromata जो हैं पूरी body पूरे plant में leaf जो है वो breathing का कार्य करती है. Plants भी living thing होते हैं ना, living things को oxygen ज़रूरत होती है air की, इसलिए stromata are the breathing organs of the plant जो leaf में leaf के अंदर lower surface में होते हैं पीछे side leaf में और क्या काम करते हैं exchange of gases. Exchange of gases. Okay? Then we will see the activity. What do you need? Take any leaf. एक leaf लीजिए, उसको scrapbook में paste कीजिए, उसको नाम दीजिए. कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी veins होती हैं. ये देखिए, look here. और plant पर जब आप देखेंगे, ये देखिए stromata जैसे कि मैंने बनाए like this. ये वाले stromata, ये this one. Okay? This one. ये stromata हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे करके. ओके, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमेटा. देन फंक्शंस ऑफ अ लीफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. मिडरिप, वेन्स, टिप, मार्जिन, लेमिना, पेट्यूल. ओके, देन वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ अ लीफ. ए ग्रीन लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लीफ? इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज हेंस कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं क्योंकि लीफ अपने अंदर खाना स्टोर करती है. क्या करती है? खाना बनाती है प्लांट में. किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है बच्चों? जो एयर हम लोग इनहेल कर एक्सहेल करते हैं, जो एयर हम लोग छोड़ते हैं, दिस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं. तो CO2 प्लांट्स के बहुत यूजफुल होती है. वो उसके प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, दैट इज व्हाई प्लांट लीव इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. नाउ इट हैज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट्स जो है लीव में स्ट्रोमेटा होते हैं जो आपको ब्रीथ करने में, प्लांट्स को ब्रीथ करने में मदद करते हैं. स्टोमेटा इज द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट. सम लीव्स आल्सो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. कुछ लीव क्या करते हैं कि अपने अंदर खाना प्रोड्यूस करते हैं और उसको खाने को लीव में प्रोड्यूस, लीव में स्टोर कर लेते हैं. नाउ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस. लीव इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. जैसे कि आपको मैंने बताया, लीव जो है खाने की फैक्ट्री के नाम से जानी जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री. अब चूंकि फैक्ट्री है तो उसके अंदर की वर्किंग को भी, कि वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है. द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय द यूटिलाइजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जैसे देखिए, सनलाइट हमें सन से मिली प्लांट्स को, फिर क्लोरोफिल लीव के अंदर था, ऑक्सीजन हमको देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और रूट्स में वाटर होता है, सॉइल में वाटर होता है. तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर बाय फूड बाय यूटिलाइजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ. वो प्रक्रिया पौधे जिसके द्वारा अपना खाना बनाते हैं सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, उसको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्ट्रोमेटा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीफ के प्लांट्स के ब्रीथिंग ऑर्गन स्ट्रोमेटा. जैसे हम लोग के लंग्स होते हैं, हम लोग लंग्स में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. इसी तरह प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं. किसके थ्रू? स्ट्रोमेटा के थ्रू, क्योंकि वो उनका ब्रीथिंग ऑर्गन है. ओके, देन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर स्ट्रोमेटा के थ्रू और वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल और वाटर रूट्स में सॉइल के थ्रू आप प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट. और जो पत्तियों में ग्रीन कलर का पेपर में क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है. ऑल दीज आर यूज बाई लीव टू प्रिपेयर फूड. ये सारी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये क्या होती हैं? प्लांट्स को खाना बनाने में मदद करती हैं.
The term photosynthesis comes from two words. Photo means light and synthesis means putting together. That means light putting together. लाइट पुटिंग टुगेदर मीन्स प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं. लेट्स लीव प्रिपेयर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर. पहले लीव जो बनाती है वो शुगर के फॉर्म में अपना खाना बनाती है. द स्टेम एंड ब्रांचेस ट्रांसपोर्ट फूड थ्रू आउट द प्लांट्स. जो स्टेम होती है दिस वन और ये जो ब्रांचेज होती हैं पतली पतली दिस इज नोन एज ब्रांचेस एंड दिस इज नोन एज स्टेम. ओके ये क्या करती हैं कि जैसे हमारी बॉडी में कौन करता है ब्लड कैपिलरीज पूरा ब्लड पिलाती हैं वैसे ही प्लांट्स में फूड कौन पिलाता है स्टेम और ब्रांचेस. अब प्लांट यूजेस सम अमाउंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेस. अब प्लांट क्योंकि जिंदा है तो वो क्या करता है कुछ फूड अपने लाइफ प्रोसेस में जिंदा रहने के लिए यूज करता है और जो बचा हुआ फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में फ्रूट में लीव्स में स्टेम में या रूट्स में रह जाता है. वी कंज्यूम सच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. वो हम क्या करते हैं हम ऐसे प्लांट्स के पास खाते हैं लाइक दिस मैंगो स्पेनिज जो कि जिसकी की लीव्स खाई जाती हैं ये फ्रूट खाया जाता है. देन पोटैटो में क्या खाया जाता है पोटैटो इज अ वेजिटेबल. देन कैरेट इज ऑल्सो अ वेजिटेबल. ओके देन ये इन्हें पूछा है कि अगर क्लोरोफिल लीव की मशीन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके रॉ मटेरियल हैं उसको बनाने में सहायक होते हैं तो सनलाइट और फूड क्या है फ्यूल एंड प्रोडक्ट. जैसे कि आपकी बाइक बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती वैसे ही बिना सनलाइट के प्रेजेंस के फूड अपना खाना नहीं बना सकता वो उसका फ्यूल है ईंधन है. ओके नाउ ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस CO2 लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन छोड़ते हैं यानी कि रिलीज करते हैं स्ट्रोमेटा के थ्रू क्योंकि स्ट्रोमेटा प्लांट्स का ब्रीथिंग ऑर्गन है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग यूज इट फॉर ब्रीथिंग. और ऑक्सीजन कौन यूज करता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग उसे जिंदा रहने के लिए यूज करते हैं. दे इन टर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होती है. देन दिस एक्सरसाइज आई हैव गिवन यू टू सॉल्व दिस इन बुक. ओके नाउ टू पॉटेड प्लांट टेक अ वेल पॉटेड प्लांट ए एंड बी. एक को डाक में रखिए और एक को आप कहाँ रखिए अदर प्लांट इन द सनलाइट. एक को सनलाइट में रखिए एक को अंधेरे कमरे में रखिए. कुछ दिनों बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे सनलाइट वाला जो प्लांट है वो मुरझा गया है उसकी पत्तियाँ येलो पेल हो गई. क्यों क्योंकि सनलाइट खाना बनाने के प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होती है ना. और जब प्लांट्स को खाना बनाने नहीं मिला तो वो मुरझा गया यानी कि डाई होने वाला हो गया मरने वाला हो गया. हम लोग को भी यही है कि हम लोग को फूड नहीं मिलता कुछ दिन तो क्या होता हम लोग को कमजोरी महसूस होती चक्कर आने लगते हैं हम लोग बीमार हो जाते हैं ना. इसी तरह प्लांट्स के साथ भी होता है. तो वो पौधा जो हम लोगों ने प्लांटे डाक में रखा था वो मुरझा गया और प्लांट भी जो सनलाइट में था वो बिल्कुल हरा भरा रहा. तो इस प्रक्रिया से हम क्या समझते हैं कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड. प्लांट्स अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में भी बनाते हैं. नाउ सम अमेजिंगली प्लांट्स देयर आर सम प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल ग्रीन प्लांट्स. लेट्स फाइंड आउट सम मोर प्लांट्स. लीव्स ऑफ करोटन. मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग के घर में ये करोटन का पेड़ ज़्यादातर लोगों में होगा. इनकी कभी पत्ती लाल होती है कभी हरी होती है हरी हरे पे कभी कभी वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं कभी डार्क ग्रीन स्पॉट्स होते हैं. ओके नाउ दैट लेट अस स्टडी अबाउट द करोटन प्लांट. लीव ऑफ करोटन प्लांट अपीयर डार्क बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. क्योंकि वो डार्क होते हैं क्योंकि रेड होते हैं क्योंकि उनके में क्लोरोफिल का प्रेजेंस नहीं होता ग्रीन नहीं होती हैं. द प्रेजेंस ऑफ रेड सब्सटेंस हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल. दो जो लाल कलर का सब्सटेंस होता है वो ग्रीन क्लोरोफिल को छुपा लेता है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन करोटन लीव्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और फोटोसिंथेसिस में क्यों प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन किसमें ग्रीन कलर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लेकिन रेड कलर चूंकि डार्क होता है वो ग्रीन कलर को छिपा लेता है. इसलिए करोटन का प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करता है. देन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कैक्टस द स्पाइंस ऑफ कैक्टस. स्पाइंस मीन्स कांटे लाइक दिस लुक.
ऐसे काटे, देखिए आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ओके। द स्पाइन्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स आर मॉडिफाइड लीव्स दैट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये इनकी स्पाइन्स होती है, काटे होते कैक्टस के, ये इतने मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, बने हुए लीव्स होते हैं कि ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते। द ग्रीन स्टेम प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। ये जो इसकी ग्रीन स्टेम होती है, ये दिस वन, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करती है। द ग्रीन स्टेम प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। द स्पाइंस प्रोवाइड शेड टू द सरफेस ऑफ कैक्टस। द स्पाइंस होते हैं वो इसके जो सरफेस होते हैं, ये कांटे जो होते हैं इसके लीव के सरफेस को कवर करती है। दिस रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ प्लांट एंड लिमिट्स द वाटर लॉस। ये जो होता है जब इसको कवर करती है लीव को, तो कैक्टस का प्लांट कहाँ होता है बच्चों, डेजर्ट में, जाके पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, पानी बहुत कम होता है, और कैक्टस का प्लांट सिर्फ राजस्थान में ही, यानी कि डेजर्ट में ही ग्रो, डेजर्ट में ही ग्रो होता है। तो ये जो पत्तियाँ और स्पाइंस होते हैं कांटे, ये इसके सरफेस को कवर करते हैं, जिसकी वजह से इसमें टेम्परेचर कम रहता है, पानी का लॉस कम होता है, इसको पानी की ज़रूरत कम होती है। देन वी विल स्टडी अबाउट मशरूम। मशरूम में ग्रीन प्लांट बिल्कुल भी, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं होता है। मशरूम एंड मोल्ड्स ये आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड लैक द एबिलिटी ऑफ टू मेक देयर फूड। ये अपना फूड नहीं बना सकते। ये फूड कहाँ से खाते हैं? दे ऑब्टेन इट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। जो पौधे और एनिमल्स गड्ढे में जो है मरने के बाद गड्ढे में चले जाते हैं, मिट्टी में दबा दिए जाते हैं, उनके जो डेड होते हैं बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों बाद, उससे ये लोग खाना अपना ऑब्टेन करते हैं। नाउ मनी प्लांट। मनी प्लांट आप सबके घर में होगा बच्चों। मनी प्लांट इज अ क्रीपर और क्लाइंबर। मनी प्लांट क्या होता है? ये पेड़ के सहारे चढ़ता है ना, इज अ क्लाइंबर। दीवार या स्टिक के सहारे चढ़ता है ना। मनी प्लांट हैज वेजिनेटेड लीव। दीज लीव्स हैव पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। इनकी लीव्स में डिफरेंट कलर्स के पैचेस होते हैं, ये देखिए कहीं लाइट कहीं डार्क। ओनली द ग्रीन प्लांट ऑफ सच लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो इसका ग्रीन पार्ट होता है लीव का, वही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। देन वी विल स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स वी आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। तो हम लोग प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ओके, मीट फ्लैश जो लोग खाते हैं वो लोग, हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, गोट काओ, ओके, दीज आर नोन हर्बीवोर्स, ये प्लांट खाते हैं। और कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स यानी कि फ्लैश खाते हैं, टाइगर, लॉयन, जैकॉल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। देखिए एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे? प्लांट्स हमको क्या देता है? खाना देता है, शेड देता है, ऑक्सीजन देता है ना, जिंदा रहने के लिए। एनिमल्स और ह्यूमंस को दे ऑल्सो प्यूरीफाई, वो एयर को भी शुद्ध करते हैं, और जिसके टर्न में हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो कि खाना बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। विच इज़ यूज बाय प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो। वो प्लांट्स को ग्रो करने में भी मदद करते हैं। हम लोग पानी देते हैं, खाद देते हैं, तभी तो प्लांट को अच्छी, जैसे हम लोग को फूड में एनर्जी मिलती है, वैसे ही प्लांट को खाद और पानी से एनर्जी, खाना प्रिपेयर करने में या जिंदा रहने में सहायक होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ईटिंग फ्रूट्स एंड बेरीज द सीड गेट स्टक इन द एनिमल्स पर। जब एनिमल्स जो हैं या जैसे बटरफ्लाई होती है, ओके, निकटे चूसती है उस पे बैठ के फ्लावर पे, तो जो फ्लावर में निकटे चूसती है बैठ के उसके स्टेम पे, तो उसके पैरों में जो है वो सीड्स लग जाते हैं। वो एक जगह दूसरी जगह उड़ के सीड्स को दूसरी जगह गिराती है, जहाँ भी वो गिरते हैं वहाँ एक नया पौधा निकलता है। ओके, तो एनिमल्स के पंखों में या पैरों में पस कर जो सीड्स एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, दे आर नोन एज सीड्स डिस्पर्सल। दे आर नोन एज सीड्स डिस्पर्सल। द सीड्स आर कैरिड अवे टू अदर प्लेसेस विच इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। दिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स एट सेवरल प्लेसेस। इसी वजह से एक नए प्लेस से दूसरी जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं। लेट्स रिकॉल द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल गिविंग आउट ऑक्सीजन। इसको प्रोसेस सनलाइट फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं जब सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हुए। इंटरडिपेंडेंस मीन्स द डिपेंडेंस ऑफ टू और मोर पीपल इन
और थिंग्स टू ईच अदर. जब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है तो उसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. देन आई होप आई मेड एवरीथिंग क्लियर. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क ऑन माई पर्सनल नंबर और थ्रू व्हाट्सएप. आई हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइजेज एंड गिवन इन द 10-5 शॉर्ट. सॉल्व इट इन टू योर बुक. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.